मित्रों नमस्कार। यह अरंडी या इनू का पेड़ है। यह झाड़ी नुमा 20-25 फीट ऊंचा हो जाता है। इसकी पत्तियां चौड़ी हथेली नुमा 8-9 पर्णकों में बटी होती हैं। इसकी लकड़ी बहुत कमज़ोर होती है। यह पहाड़ तथा मैदान दोनों जगहों में पाया जाता है। यह औषधीय गुणों से भरपूर सर्वांग मानवोपयोगी वृक्ष है। अरंडी सफेद पुष्प से पुष्पित होता है। यह पुष्प आप देख सकते हैं। इसका फल कांटेदार खोल में सुरक्षित रहता है। इसी खोल के अंदर इसका नट या बीज रहता है जिससे तेल निकाला जाता है। यही तेल औषधीय गुणों की खान होता है। आयुर्वेदानुसार इसका तेल औषधि के रूप में सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है। अरंड कफ और पात नाशक, पित्तवर्धक, सूजन व दर्द नाशक तथा स्नेहन भेदन कृमिनाशक, मूत्र विशोधक, शुक्र शोधक, गर्भाशय शोधक, कुष्ठघन तथा ज्वरघन होता है। अरंड तेल त्वचा का हितकारी, स्रोतों का शोधक, ब्रश्य योनि शोधक, पेट दर्द नाशक, कब्ज कोलाइटिस नाशक होता है। अरंडी के पत्तों का रस 3-4 बार गोदाम में लगाने से कृमि चूने मर जाते हैं। इसके तेल आंतों में जमे मल को स्नेहन करके आंत को साफ करता है। इसकी छाल पीसकर नासूर में लगाने से लाभ होता है। यह गठिया रोग में बहुत लाभ करता है। जोड़ों में सूजन तथा दर्द में इसके पत्तों में तेल लगाकर गर्म करके सेक करने से बहुत आराम मिलता है। बवासीर में इसके पत्ते का बफरा देने से लाभ होता है। इसके तेल का अंजन आँखों में लगाने से नींद अच्छी आती है। अनाजों की रक्षा के लिए करने के लिए इसके तेल से लेपित कर दिया जाता है अनाजों को। इसे कैस्टर आयल भी कहा जाता है। यह क्रीम बनाने के काम भी आता है तथा अल्सर में भी लाभदायक होता है और सिर की रूसी का नाश करता है। अरंडी सर्वांग औषधि गुणों से भरपूर मानव हितेशी प्रकृति का दिया हुआ अनमोल वरदान स्वरूप वृक्ष है। धन्यवाद। आप स्वस्थ रहें।